दोस्तों, अगर आप एक LIC एजेंट हैं या फिर एक कस्टमर हैं, तो आपके मन में सवाल यह आता होगा कि आप ये जानना चाहते हैं कि LIC की कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी आपके लिए या फिर आपके क्लाइंट के लिए। क्योंकि जब आप क्लाइंट के पास जाते हो, क्लाइंट को पॉलिसी समझाते हो, तो क्लाइंट भी आपसे यही पूछता है कि भाई हमें बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी बताइए, बेस्ट LIC पॉलिसी बताइए कि कौन सी LIC की पॉलिसी बेस्ट है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए खास है क्योंकि आज आप जानेंगे LIC की बेस्ट पॉलिसी, जो अभी तक की सबसे बेस्ट पॉलिसी है उनके बारे में आप जानेंगे, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई LIC एजेंट क्लाइंट से मिलने जाता है, तो वहां पर जाकर क्लाइंट आपसे सवाल करता है कि भाई आप हमें बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी दीजिए। जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी बेस्ट है, जो भी LIC की पॉलिसी बेस्ट है, वो बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी आप हमें बताइए। बट आप फिर सोचते हैं कि कौन सी पॉलिसी बताऊं, कौन सी पॉलिसी मेरे को उसको बतानी चाहिए, ये सवाल आपके मन में चलता रहता है। दोस्तों, आप को जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि आप जब क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट को समझाइए, आप क्लाइंट से मिलिए, क्लाइंट से बात करिए और जानिए कि क्लाइंट चाहता क्या है। देखिए, जो भी पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज बेस्ट हैं अपने आप में, लेकिन क्लाइंट चाहता क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट की नीड क्या है, उस नीड के अकॉर्डिंग आप क्लाइंट को प्लान सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ये पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगी। पता चला कि आप क्लाइंट को कोई दूसरी पॉलिसी बता रहे हो, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ और है, क्लाइंट कुछ और चाहता है, आप कुछ और बता रहे हो, क्लाइंट चाहता है बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी, आप उसको कुछ और पॉलिसी बता रहे हो। तो ये आपको समझाना जरूरी है, पहले क्लाइंट की नीड को समझें, क्लाइंट की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट को प्लान सजेस्ट करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी। LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो हर घर में मिलनी चाहिए, क्योंकि इस पॉलिसी के जो बेनिफिट हैं वो बहुत ही यूनिक बेनिफिट हैं और ऐसे बेनिफिट हैं जो किसी दूसरी पॉलिसी में देखने को बहुत कम मिलते हैं। इसलिए क्योंकि दोस्तों, मैच्योरिटी पे तो हमें पैसा चाहिए ही चाहिए, हम कुछ ना कुछ प्लान करते हैं कि भाई हमारी प्लानिंग ये है, हम इतने साल के बाद हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, ये हमारी प्लानिंग है। लेकिन दूसरी पॉलिसी से ये पॉलिसी कैसे बेटर है, बाकी दूसरी पॉलिसीज क्या होती हैं कि जब अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है पॉलिसी पीरियड के बीच में, तो सभी पॉलिसी बंद हो जाती है, राइट, और उस टाइम पे जो भी उनका फुल एंड फाइनल अमाउंट होता है वो नॉमिनी को मिल जाता है। बट LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी में ये सब नहीं होता है। LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी में जो आज आप प्लान करेंगे, उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको जो भी टेन्योर आप सिलेक्ट करेंगे, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिल जाएगा, राइट, आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा जो सभी दूसरी पॉलिसीज में मिलता है, राइट। बट इस पॉलिसी में दूसरी जो फीचर्स हैं वो ये है कि अगर इन बिटवीन जितने साल, जितने टेन्योर का कस्टमर ने प्लान लिया है, उस टेन्योर के बीच में अगर पॉलिसी होल्डर के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में उनके नॉमिनी को, अगर उसने टर्म राइटर लिया हुआ है, तो जितने सम एश्योर्ड का टर्म राइटर लिया हुआ है, तो उनके नॉमिनी को अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड है, 10 लाख रुपए तो तुरंत उसी टाइम पे मिल जाएंगे डेथ होने के समय पर, राइट। उसके बाद पॉलिसी भी बंद नहीं होगी, पॉलिसी कंटिन्यूस चलती रहेगी और आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए थे वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, यानी कि कोई पैसा भी पे नहीं करना पड़ेगा फैमिली को। इसके साथ साथ LIC ने इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है कि अगर पॉलिसी होल्डर नहीं है, पॉलिसी होल्डर जीवित नहीं है, तो उनके फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, उनके फैमिली के खर्चे के लिए LIC सम एश्योर्ड का 10%, अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो उसका 10% होता है 1 लाख, तो LIC हर साल यानी कि 1 लाख रुपए नॉमिनी को पे करती जाएगी, कब तक, जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं होगी तब तक, राइट। और उसके बाद जब पॉलिसी मैच्योर होगी, मैच्योर होने पर पूरा सम एश्योर्ड प्लस बोनस भी दिया जाएगा पॉलिसी होल्डर को, पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को। तो दोस्तों, ये जो पॉलिसी LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी, मैं समझता हूं ये बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है और ये पॉलिसी सभी के पास होनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, हम सपोज बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं कि बच्चे के फ्यूचर के लिए, पढ़ाई के लिए हमारे पास सपोज 20 लाख या 21 लाख रुपए होना चाहिए 21 साल के बाद, तो हमने ये प्लान किया, राइट। तो इस पॉलिसी में ये जो प्लानिंग है हमारे जीते जी भी पूरी हो पाएगी, यानी कि मैच्योरिटी पे 21 लाख रुपए मिल जाएगा। बट अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो भी उनकी फैमिली को मैच्योरिटी पे LIC पैसा देगी, 20 या 21 लाख रुपए जो भी मैच्योरिटी अमाउंट बन रहा है। इसके साथ साथ LIC एट द टाइम ऑफ डेथ 10 लाख रुपए देगी, उसके बाद प्रीमियम सभी माफ हो जाएंगे, पॉलिसी चलती रहेगी और हर साल 1 लाख रुपए उनके फैमिली को मिलता जाएगा पॉलिसी मैच्योरिटी तक। तो दोस्तों, ये LIC जीवन लक्ष्य प्लान बहुत ही बढ़िया प्लान है, मैं समझता हूं कि आप ये प्लान अपने क्लाइंट को जरूर समझाएं।
हर एक इंश्योरेंस एजेंट ये पॉलिसी अपने क्लाइंट को जरूर समझाएं, क्योंकि अगर आप सही तरीके से क्लाइंट को समझाएंगे पॉलिसी, तो डेफिनेटली क्लाइंट आपसे पॉलिसी खरीदेगा, क्योंकि ये पॉलिसी में मैच्योरिटी अमाउंट भी है, साथ में उनकी फैमिली को भी ध्यान में रखते हुए इनकम बेनिफिट दिया गया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपनी दूसरी पॉलिसी की, जो कि हमारी है LIC जीवन लाभ प्लान। दोस्तों LIC जीवन लाभ प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको कम टाइम पीरियड के लिए प्रीमियम पे करना होता है और आपको लॉन्ग टर्म तक आपका इंश्योरेंस कवर चलता है। अब इसमें आप 3 टर्म ले सकते हैं। पहला टर्म है जिसमें आपको 10 साल पेमेंट करना है और 16 साल पे आपका पॉलिसी मैच्योर होगा। दूसरा टर्म है जिसमें आपको 15 साल पेमेंट करना है और 21 साल पर आपका पॉलिसी मैच्योर होगा। और तीसरा टर्म है आपका 16 साल तक आपको प्रीमियम पे करना है और 25 साल पर पॉलिसी मैच्योर होगा। राइट, ये पॉलिसी उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लोग कम टाइम पीरियड के लिए प्रीमियम पे करना चाहते हैं। कोई 10 साल के लिए प्रीमियम पे करना चाहता है तो 10 साल तक आपको प्रीमियम पे करना है, उसके बाद आप भूल जाइए। आपका रिस्क कवर, आपका इंश्योरेंस कवर इस पॉलिसी में 16 साल तक कंटिन्यूस चलता रहेगा। अगले 16 साल तक आपकी पॉलिसी में आपका इंश्योरेंस कवर रहेगा। अगर आप 15 साल का टर्म लेते हैं तो उसमें आपको प्रीमियम सिर्फ 15 साल पे करना है और आपका जो मैच्योरिटी होगा वो 21 साल के बाद होगा। यानी कि 15 साल प्रीमियम पे करने के बाद भी आपका रिस्क कवर चलता रहेगा, 21 साल तक आपका रिस्क कवर चलेगा। इसी तरीके से 16 साल का टर्म है जिसमें आपको 16 साल पेमेंट करना है और उसमें 25 साल तक आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। तो ये पॉलिसी है जिसमें आपको कम टाइम पीरियड के लिए प्रीमियम पे करना है और आपको लंबे समय तक आपका रिस्क कवर चलता रहेगा। राइट, तो ये भी अच्छी पॉलिसी है, जीवन लाभ प्लान। ये पॉलिसी भी आप बता सकते हो। ये दोनों पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी में आती हैं LIC की तरफ से। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉलिसी की, जो बहुत ही बेस्ट पॉलिसी है, और इस पॉलिसी का नाम है LIC जीवन उमंग प्लान। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट बोलता है गारंटेड प्लान की बात आती है कि कुछ गारंटेड हमें बताइए, हमें गारंटेड चाहिए। तो आप क्लाइंट को LIC जीवन उमंग पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि LIC जीवन उमंग पॉलिसी में आपके क्लाइंट को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा सम एश्योर्ड का 8% गारंटेड इनकम आती रहेगी उसको लाइफ टाइम। अगर उसने 15 साल का टर्म लिया है तो 15 साल के बाद उसको रेगुलर 8% ऑफ द सम एश्योर्ड का इनकम आता रहेगा पूरी जिंदगी। अब आप सोचिए, आज उसने प्लान लिया है और आज से 15 साल के बाद उसको अगर कोई दूसरी पॉलिसी में जो भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, क्या उस मैच्योरिटी अमाउंट को लेने के बाद उसको कहीं इन्वेस्ट करेगा? आप सोचिए कि 15 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट डे बाय डे कम होता जा रहा है। आज से 10 साल पहले आप देखिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, आज कितना है। राइट, आज से 15 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? हो सकता है जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया से काफी कम है, जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया से काफी कम है। तो आने वाले समय में मेरा मानना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी कम हो जाएगा। तो अगर क्लाइंट LIC जीवन उमंग प्लान लेता है तो उसको 8% ऑफ द सम एश्योर्ड का 8% उसको गारंटेड इनकम मिलता रहेगा सालाना लाइफ टाइम, 100 साल तक उसको मिलता रहेगा। राइट, तो दोस्तों ये एक रेगुलर इनकम प्लान है। ये प्लान भी आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो। इन सभी पॉलिसी में LIC अपना टैक्स बेनिफिट भी ले सकता है अंडर सेक्शन 80C एंड एज पर गवर्नमेंट रूल अंडर सेक्शन 1010D, जो भी अभी का है, बाद में चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों आप जब भी क्लाइंट के पास हैं, क्लाइंट को ये 3 पॉलिसी जरूर बताएं, क्योंकि इन 3 पॉलिसीज में वो सारे बेनिफिट हैं जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अगर कोई चाहता है इनकम प्लान तो उसको आप जीवन उमंग प्लान बताइए। अगर कोई चाहता है अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए या फिर अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, उसको आप जीवन लक्ष्य और जीवन लाभ प्लान बता सकते हैं। इनमें कोई भी मार्केट रिस्क नहीं है। जैसे मार्केट में जो भी प्लान चलते हैं उनमें इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होता है। दीज आर द ट्रेडिशनल प्लान, ये यूलिप प्लान नहीं है। तो हर एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट इन 3 प्लान को अच्छे से समझ लें, अच्छे से जान लें, और जब भी क्लाइंट के पास जाएं इन प्लान को एक्सप्लेन करके डिटेल में अपने क्लाइंट को जरूर बताएं। आप अच्छे से बताएंगे तो आपका क्लाइंट आपकी बात सुनेगा, उसकी रिक्वायरमेंट समझिए, उसको इनकम प्लान चाहिए, उसको बच्चे के लिए प्लान चाहिए, उसको अपने लिए इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए, क्या चाहिए उसको, उसको शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए, कौन सा प्लान चाहिए उसको। तो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्लाइंट को प्लान बताएं। दोस्तों एक चीज का अक्सर ध्यान रखें, जब भी क्लाइंट को आप प्लान बताएं तो पहले क्लाइंट से बात करें, उसकी रिक्वायरमेंट को समझें, उसके इनकम कितनी है, उसके एक्सपेंसेस कितनी है ये आप समझें, एक्सपेंसेस से वो सेविंग कितनी करता है ये आप जानें, और उसके बाद उसको कैलकुलेट करके उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू जरूर बताएं। जब तक आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू नहीं बताएंगे तब तक वो समझ नहीं पाएगा कि उसको कितना इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, उसको कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक चीज़ की वैल्यू होती है। आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो दुकान पर जाके जब
शॉपकीपर से आप पूछते हो तो वो भी मोबाइल का कुछ वैल्यू बताता है कि 10,000 या 15,000 का वैल्यू है। आप मार्केट में एसी खरीदने जाते हो तो एसी खरीदने के लिए आप भी मार्केट से उसका प्राइस पूछते हो कि इसकी कॉस्ट क्या है, तो दुकानदार भी आपको बताता है कि ये 25,000 का या 30,000 का। आप कुछ भी खरीदने जाते हो, आप LED खरीदने जाते हो तो उसका भी कुछ वैल्यू होता है, हर एक चीज़ की वैल्यू है। तो क्लाइंट को भी समझाइए कि सर आपकी भी एक वैल्यू है, आपकी कितनी वैल्यू है, आपको कितना इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो आप अपने क्लाइंट को हर एक चीज कैलकुलेट करके बताइए कि क्लाइंट का ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना है, क्लाइंट को कितने इंश्योरेंस की रिक्वायर्ड है, क्लाइंट ने अगर पहले से इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके अलावा उसको और कितना इंश्योरेंस कवर चाहिए, ये आप जरूर समझ लें। क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए या फिर इनकम प्लान चाहिए, क्या प्लान चाहिए, ये आप क्लाइंट की जरूरत को समझ के ही उसको प्लान बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको 3 बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी बताई है, तो अगर आप भी अपने क्लाइंट को ये 3 बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी बताते हैं तो जरूर आपका क्लाइंट पॉलिसी खरीद सकता है आपसे। उनको डिटेल में बताएं, अच्छे से बताएं, और अगर आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, तो अगर आप अपने सवाल मुझसे लाइव प्रोग्राम में करना चाहते हैं तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। संडे रात 9 बजे मैं लाइव YouTube लाइव के माध्यम से आप लोगों से जुड़ूंगा और आपके प्रश्नों को लेने के साथ साथ उनको जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। तो थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो से जुड़ने के लिए।